वेलकम फ्रेंड, कैरियर न्यूज़ एंड सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है और मेडिकल का वर्क भी चल रहा है, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट का ये कमेंट आ रहा था मुझे बार बार कि सर इस बार मेडिकल कैसे लिया जाएगा और क्या लिया जाएगा। और वाकई फ्रेंड, इस बार मेडिकल का जो वर्क, मेडिकल का जो वेरिफिकेशन है, मेडिकल वेरिफिकेशन, उसमें बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की तरफ में जो है कुछ चेंजेज हुआ है और कुछ चेंज किया गया है। पहले जो क्या किया जाता था कि आपको मेडिकल का फॉर्मेट दे दिया जाता था और आपको कहीं के भी अपने जिला या फिर किसी जिला के सिविल सर्जन से जो है मेडिकल उसी फॉर्मेट में उनसे लिखवा के लाना पड़ता था और यहाँ पे सबमिट कर देना पड़ता था। यानी उस समय मेडिकल जो था आपको अपने से कराना पड़ता था, लेकिन इस बार जो है बिहार पुलिस के हर एक जिले के एसपी ऑफिस और रेल एसपी ऑफिस और वाहिनी के समादेष्टा जो है मेडिकल अभ्यर्थी का खुद करवा रहे हैं, अपने वो अपने निगरानी में करवा रहे हैं। और हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेक किया जा रहा है इस बार। तो फ्रेंड, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए, इस बार मेडिकल में कोई ज़्यादा चीज़ चेक नहीं किया जा रहा है। आप लोग का मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसमें आप लोग से जो है आई टेस्ट किया जाएगा। आई टेस्ट में आपका जो है डिस्टेंट विजन, यानी दूर को आप दूर का आपको क्लियरली दिखता है या नहीं दिखता है, उसमें आपसे स्पष्ट ये चेक किया जाएगा कि आप जो है दूर में जो कोई भी लेटर लिख के दे दिया जाएगा, या फिर सी जो होता है सी ABC सी का जो है दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका ओपन भाग, सी का जो ओपन भाग रहता है यानी कटा हुआ भाग किधर है, और उसको फिर से घुमा दिया जाएगा और पूछेगा लेफ्ट है या राइट है, अपर है या लोअर है, यही पूछा जाएगा आपसे, या फिर ABCDE आपको लिख के दे दिया जाएगा और आपको उसको पढ़ना है फ्रेंड। तो ये जो है आपसे जो है यही करवाया जाएगा। और उसके बाद जो है आपको नजदीक के लिए जो है 25 सेंटीमीटर के दूरी पर आपको छोटा छोटा लिखा हुआ दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा दोनों आई से ये पढ़ना है, एक आई को ढक देगा, उसके बाद एक आई से पढ़वाएगा, फिर उस आई को ओपन करेगा, फिर दूसरे आई से, यानी बारी बारी एक आंख से, एक आंख को बंद करके एक आंख से पढ़वाया जाएगा, ऐसा किया जाएगा। ये तो वो आई की बात। उसके बाद आपका जो है यूरिन टेस्ट लिया जाएगा, यूरिन का टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो है चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा, यानी छाती का आपका एक्सरे लिया जाएगा, और आपका एक सिंपल ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद ताकि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, और आपसे जो है और जो है आपका BP को चेक किया जाएगा, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल नहीं घबराइए, आराम से जाइए, एकदम माइंड को ठंडे करके जाइए, कूल करके जाइए, कोई भी टेंशन लेके नहीं जाइएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर आप टेंशन लीजिएगा तो आपका BP हाई हो सकता है, और उस सिचुएशन में आपको ऐसे BP में दो बार तो चांस मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल टेंशन मत लेके जाइए और आप जो है कूल माइंड से जाइए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा वेरिफिकेशन में, मेडिकल वेरिफिकेशन में। और सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, उसके बाद फिर आपको अलग से मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। पटना में भी ऐसा ही किया जा रहा है, सुपौल में ऐसा ही किया जा रहा है। कुछ लड़के मेडिकल दे के निकले, उनसे बहुत से जिले के लड़के से मैंने बातचीत किया, उसके बाद मैं आपके कमेंट को सॉल्यूशन के लिए जो है मैंने ये वीडियो आप लोग को अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं और तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे तक, अपने फ्रेंड तक भी पहुंचाइए फ्रेंड। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए फ्रेंड। नमस्कार, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।